हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। बॉलीवुड एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स का रोमांस तो कोई नया नहीं है। अब करीब 4 साल से एक दूसरे को डेट करने के बाद अथिया शेट्टी और केएल राहुल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों ने अपनी शादी को काफी इंटीमेट रखा है और इसमें कुछ खास ही लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। अथिया शेट्टी और केएल राहुल अपनी शादी को काफी सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शादी के लिए किसी महंगे होटल की जगह अपना ही एक फार्म हाउस चुना है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की शादी सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्म हाउस में होने जा रही है। शादी से पहले ही उनके फार्म हाउस को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस दौरान की कई तस्वीरें भी सामने आई है। अरे रुकिए, आपको अभी दिखाएंगे वो तस्वीरें। शादी का दिन किसी की भी जिंदगी में बेहद खास होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। ऐसे में इस दिन के लिए आउटफिट भी बेहद खास होना चाहिए। भाई दुल्हन बन रहे हैं, दुल्हन की डिमांड होती है आउटफिट को लेकर। खासकर अथिया और केएल राहुल ने भी अपनी शादी के लिए सभ्यसाची की खास आउटफिट को चुना है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कलर थीम जरा हटके चुनी है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए कपल ने क्रीम और व्हाइट कलर की थीम को चुना है। शादी में करीब 100 मेहमान शामिल होंगे। कपल ने कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के नियमों का पालन करते हुए नो फोन पॉलिसी भी लागू की है। कथित तौर पर शादी के मेहमानों की सूची में सलमान खान, शाहरुख खान, MS धोनी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ जैसे अन्य लोग शामिल होंगे। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ और बॉलीवुड फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा को भी विवाह स्थल पर देखा गया। अथिया और केएल राहुल की शादी में साउथ इंडियन टच नजर आएगा। रस्मों में ही नहीं बल्कि खाने में भी साउथ इंडियन टच दिखेगा। उनकी शादी के मेहमानों को एक शानदार दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसा जाएगा। परंपरा को कायम रखते हुए अतिथियों को केले के पत्ते पर भोजन भी कराया जाएगा। अथिया और केएल राहुल आज शाम 4 बजे अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधेंगे। रस्मों के बाद शाम 6:30 बजे वे पराजी को पोज भी देते हुए नजर आएंगे। डायरेक्टर लव रंजन की मोस्ट अवेटेड फिल्म तू झूठी मैं मकार का ट्रेलर आज रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म के जरिए पहली बार फैंस रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को पर्दे पर रोमांस करते देखेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर कपूर श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म तू झूठी मैं मकार बोल्ड कंटेंट से भरी पड़ी है। कुछ खबरों की माने तो बताया गया है कि आज रिलीज होने जा रहे तू झूठी मैं मकार के ट्रेलर में ऑडियंस इंटीमेसी की हेल्दी डोज की उम्मीद कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि लव रंजन की फिल्म तू झूठी मैं मकार के ट्रेलर में श्रद्धा और रणवीर कम से कम 3 बार किस करते नजर आएंगे। वहीं सोर्सों से यह भी पता चलता है कि फिल्म का ट्रीटमेंट पूरी तरह से क्लासी होगा। तू झूठी मैं मकार के बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आइडियाज का यहीं पर एंड नहीं होता। कुछ खबरों की माने तो फिल्म में श्रद्धा बिकिनी में पूरी तरह से कंफर्टेबल और क्लासी लग रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि TJMM बहुत जरूर फ्रेश एयर की तरह है। जरूरी फ्रेश एयर जो हम सभी को चाहिए होती है। श्रद्धा और रणबीर की फ्रेंड्स जोड़ी के बीच जबरदस्त एनर्जी और चार्म है। ट्रेलर कलरफुल, वाइब्रेंट और यूनिक के साथ ही एंटरटेनिंग होने की उम्मीद है। ऐसे में फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। बता दें कि काफी समय फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं किया गया था। हर कोई इसे रणबीर और श्रद्धा के साथ लव रंजन की फिल्म ही कह रहा था। वहीं कुछ खबरों की माने तो बताया गया है कि टाइटल के अनाउंसमेंट और रजिस्ट्रेशन में देरी की वजह से लव फिल्म के यूनिक नाम को लीक नहीं करना चाहते थे। ऐसे में अब सभी की निगाहें फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर टिकी हुई है। बिचाऊ की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। अब तक फिल्मों में अपने चुलबुले अंदाज से फैंस का दिल जीतने वाली सारा इस बार कुछ अलग लेकर आई है। सोमवार को सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म ए वतन मेरे वतन का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। छोटे से टीजर में ए वतन मेरे वतन की अनाउंसमेंट की गई है। सारा अली खान की आने वाली फिल्म ए वतन मेरे वतन की अनाउंसमेंट OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर की गई। 23 जनवरी को प्राइम वीडियो ने सारा की ए वतन मेरे वतन फिल्म का टीजर अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सारा एक कमरे में बंद है और वो रेडियो पर ये कहती सुनाई दे रही है कि अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सिर कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती। ये है हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। ए वतन मेरे वतन के टीजर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में सारा अली खान भारत की एक फ्रीडम फाइटर का रोल अदा कर रही है।
दरअसल फिल्म मैं वतन मेरे वतन में सारा अली खान भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का किरदार अदा कर रही है। उषा मेहता ने सीक्रेट रेडियो सर्विसेज के जरिए 1942 में बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका अदा की थी। ऐसे में सारा अली खान की इस फिल्म को देखने में वाकई मजा आएगा। ऐ वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर ही रिलीज होगी। तो ऐसी ही मसालेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।